हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। देखिए, हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी खास रेसिपी। वो क्या है? वो है घिया की खिचड़ी। और जान लेते हैं इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। और देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और जानिए आज हम घिया की खिचड़ी कैसे बनाते हैं। ये देखिए, 500 ग्राम चावल हमने भिगो करके रखे हैं। पहले इनको धोया, फिर भिगो करके रखे हैं। और ये है सोयाबीन की बड़ी 100 ग्राम, इनको भी हमने भिगो करके निचोड़ करके रखा हुआ है। और ये है 250 ग्राम घिया, जो छील करके काट करके रखी हुई है। और ये एक भरी कटी हुई प्याज, ये दो हरी मिर्च, एक टमाटर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और जीरा, और छौंक के लिए तेल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं और गैस पर कुकर रखते हैं। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुकर में ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए छौंक के लिए। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुकर में एक छोटा चम्मच जीरा डालते हैं। और इसके बाद हम डालते हैं बारीक कटी हुई प्याज और इसको घुमाते हैं ऐसे। और इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। तो इसे हमारा छौंक ब्राउन होने जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें टमाटर डालते हैं जो हमने बारीक काट करके रखा हुआ है। और इसको चम्मच के साथ अच्छे से घुमाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने घिया काट करके रखी है ये डालते हैं और इसको भी अच्छे से घुमाते हैं ऐसे। और अब हमने दो हरी मिर्च काट करके रखी है, अब ये डालते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ऐसे। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालते हैं एक छोटा चम्मच और इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद डालते हैं एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और एक छोटा चम्मच गरम मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने सोयाबीन की बड़ी भिगो करके रखी हुई है इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। और देखिए, ये हमारी बड़ी जो सोयाबीन की बड़ी है बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसमें चावल डालते हैं जो हमने भिगो करके रखे हुए। और इसको मिक्स कर देते हैं। और देखिए, इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, 500 ग्राम चावल है तो इसमें हम 1 लीटर पानी डालते हैं। और इसको घुमा देते हैं अच्छे से ऐसे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार।
और अब नमक डालने के बाद मिक्स करके हम कुकर बंद कर देते हैं। अब इसमें सिर्फ एक सीटी लगनी है, एक सीटी के बाद हमारी जो लौकी और सोयाबीन की बड़ी वाली खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। अब देखिए हमारे कुकर में एक सीटी लग चुकी है और हम प्रेशर निकालने के बाद इसको खोल कर देखते हैं। देखिए हमारी सोयाबीन की और लौकी की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अब हम इसको रोस्टते हैं। देखिए ये लौकी की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है और इसमें हमने सोयाबीन और लौकी और चावल और टमाटर ये सामग्री डाली है। और देखिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी दोस्तों। और आप हमारा चैनल देखते रहिए और नई नई जानकारी पाइए, हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे और बताते रहेंगे। जय माता।